गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स का आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे टॉपिक स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप वी सी पीपल यूजिंग स्पेक्टिकल्स फॉर रीडिंग, तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो रीड करने के लिए किसका यूज करते हैं, स्पेक्टिकल्स का यूज करते हैं। Some people use spectacles to see far off objects distinctly. और कुछ people क्या होते हैं, दूर का देखने के लिए spectacles का भी use करते हैं। A watchmaker uses a magnifying glass to see tiny components of a watch. और जो watchmaker होता है वो किसका use करता है, वो magnifying glass का use करता है ताकि वो क्या देख सके, tiny components को देख सकते। इन आर बायोलॉजी लेबोरेटरी वी यूजेस अ माइक्रोस्कोप टू सी मैग्निफाइड इमेजेस ऑफ टाइनी सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बायोलॉजी लैब में हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप में जो लेंसेस लगे होते हैं वो हमें किसमें हेल्प करते हैं, जो प्लांट्स और सेल्स के जो टाइनी टाइनी होते हैं ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको देखने में, जो टाइनी सेल्स होते हैं उनको देखने में हेल्प करते हैं। द ग्लासेस यूज इन स्पेक्टिकल्स, मैग्निफाइंग ग्लासेस, माइक्रोस्कोप एसेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ लेंसेस। फिर जो भी ग्लासेस मीन जो भी लेंसेस इनमें यूज हुए हैं, जैसे ग्लासेस हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, मैग्नीफाइंग ग्लास हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, इसमें जितने भी ग्लास का यूज किया है वो सारे ग्लासेस क्या है, वो सारे ग्लासेस हैं लेंसेस। द सरफेस ऑफ अ लेंस आर जनरली कर्व, जो लेंस का जनरली जो सरफेस होता है वो कर्व होता है, बेंट होता है। In our study about the lenses, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम lenses के बारे में पढ़ेंगे। We consider only a spherical lens whose curved surface are spherical. हम सिर्फ उन्हीं को ही क्या spherical lens लेते हैं, जिन lenses का जो surface होता है वो कैसा होता है, curved होता है। Action of a lens is based on a refraction of light. जो लेंसेस का जो एक्शन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। इन द प्रेजेंट सेक्शन लेट अस फर्स्ट नो अबाउट द लेंस एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंसेस के बारे में पढ़ेंगे और लेंसेस के जो टाइप है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला आता है हमारा लेंसेस। A lens is a part of a refracting or transparent material. Lens क्या होते हैं, lens या तो refracting means transparent material के बने होते हैं जिसमें हम आर पार देख सकते हैं। Say glasses, जैसे glass होते हैं। Bound by two surfaces, जिसमें क्या होते हैं, दो surface जुड़े होते हैं। On which one of both surfaces are spherical, जिसमें क्या होते हैं, उनके जो दोनों सरफेसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। अब लेंसेस आर ऑफ टू काइंड्स। अब जो हमारे लेंसेस हैं ये टू काइंड्स के होते हैं। एक होता है हमारा कॉनकेव लेंस और दूसरा होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, लेंसेस क्या होते हैं, लेंसेस हमारे दो होते हैं, एक होता है कॉनकेव लेंस और दूसरा होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। अब पहले हम पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस के बारे में। कॉनकेव लेंस इज दैट व्हिच इज थिकर एट द मिडल एज कंपेयर टू द एजेस। जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है ये क्या होता है, ये एजेस से मिडल से थिकर होता है और जो इसके एजेस होते हैं वो थिकर नहीं होते। मीन्स हमारा कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस कवरेजेस लाइट रेज एंड हेंस इज कॉल्ड अ कवरिंग लेंस। इसीलिए हम कॉन्वेक्स लेंस को, ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट रेज को कवर करता है, मीन्स एक साथ जोड़ देता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसको कवरिंग लेंस भी बोलते हैं।
कॉन्वेक्स लेंस आर ऑफ फॉलोइंग थ्री टाइप. अब जो हमारे कॉन्वेक्स लेंस ये कितने टाइप्स के, ये थ्री टाइप्स के होते हैं. पहला है आपका डबल कॉन्वेक्स लेंस, सेकंड है आपका प्लानो कन्वेक्स लेंस, और लास्ट है आपका कैनकावो कन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, अब जो आपका डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसमें क्या होता है टू स्फीयर्स प्रेजेंट होती है. ठीक है, अब जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कुछ इस टाइप का दिखता है. मीन्स एक साइड क्या होती है प्लेन होती है और एक साइड इसी कैसी होती है स्फीयर होती है. और जो प्लेनो जो कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसमें दोनों सरफेस तो होती है पर एक कैसी होती है, ये कुछ इस टाइप से होती है जिसमें हमारी दोनों सरफेस ही एक साइड में कर्व होती हैं. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे हमारा डबल कॉन्वेक्स लेंस और प्लानो कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्कावो कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं. Double convex lens. A lens having two spherical surfaces, both plugging outward, is called a double convex lens. Means, जो हमारे lenses हैं जिसका surface क्या है, दोनों side double spherical है, उसी को हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे double convex lens. फिर आता है हमारा plano convex lens. इसमें क्या होता है, a lens having one spherical surface blurring outward and the other surface is plane. इसमें क्या हो रहा है, हमारा एक प्लेन जो एक साइड है क्या है, ये हमारा प्लेन है और एक सरफेस क्या हो रहा है आउटसाइड बेंच हो रहा है. ठीक है, आउटसाइड में बाहर निकल रहा है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया प्लानो कॉन्वेक्स लेंस. फिर आता है आपका थर्ड कॉन्कावो कॉन्वेक्स लेंस. अ लेंस हैविंग वन कॉन्वेक्स, जो हमारा लेंस है इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ एक साइड में ही होता है, जो इसके स्फेरिक्स जो इसके ब्लॉगर है ये क्या होगा, दो एक ही साइड में ही निकले होंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कॉन्कावो कॉन्कावो कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा. ठीक, तो ये था आपका कॉन्वेक्स लेंस. तो कॉन्वेक्स लेंस हमारा मेनली क्या था, कॉन्वेक्स लेंस था हमारा जिसमें जो मिडिल पार्ट होता है ये क्या होता है एजेस से थिक होता है, और ये हमारे थ्री टाइप के होते हैं. एक होता है, एक है हमारा डबल, एक है हमारा प्लानो और एक है हमारा कॉन्केवो. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कॉन्केव लेंस. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कॉन्केव लेंस के बारे में. Concave lens is that which is thicker at the edge as compared to the middle. अब जो concave lens होता है ये हमारा कैसा दिखता है, ये middle से क्या होता है thick होता है, ये middle से thick होता है और ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है. ठीक है, तो अ कॉन्केव लेंस इज दैट व्हिच इज थिकर एट द एज एज कंपेयर टू द मिडल. तो कॉन्केव लेंस क्या होता है, मिडल के कंपेयर से एजेस से थिकर होता है इन विद रिस्पेक्ट टू मिडल. कॉन्केव लेंस डाइवर्जेस लाइट रेज एंड हेंस इट इज कॉल्ड अ डाइवर्जिंग लेंस. जो कॉन्केव लेंस होता है ये क्या करता है, ये लाइट को डाइवर्स करता है, मीन्स फैलाता है, इसलिए हम इसको किस नाम से जानते हैं, इसको हम डाइवर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं. कॉन्केव लेंस आर ऑफ फॉलोइंग थ्री टाइप्स. जैसे हमारा कॉन्वेक्स लेंस थ्री टाइप्स का था, इसी तरह हमारा
कॉनकेव लेंस भी थ्री टाइप का होता है, ठीक है। एक है हमारा, पहला है हमारा डबल कॉनकेव लेंस, प्लानो कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स शो कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो अब हमारा डबल कॉनकेव लेंस क्या होता है? अ लेंस हैविंग टू स्फेरिकल सरफेसेस बोथ कर्व इनवर्ड। इसमें दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं और दोनों किस साइड बेंड होते हैं? इनवर्ड की साइड बेंड होते हैं, मींस कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा प्लानो कॉनकेव लेंस। A lens having one spherical surface curved inward and the other is plane. Means एक surface हमारा क्या होगा? Plane होगा और दूसरा surface क्या होगा? Inward की side bent होगा. Means कुछ इस तरीके, ठीक है। फिर last आता है हमारा आपका convex so concave lens. A lens having one concave and the other convex. एक लेंस हमारा क्या है? एक साइड हमारा कॉनकेव है और एक साइड हमारा कॉन्वेक्स है। कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये था आपका डबल प्लानो और कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। तो अभी आपने पढ़ा लेंसेस के बारे में। जो लेंसेस होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका कॉनकेव लेंस और एक होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस भी आपके थ्री टाइप के होते हैं और कॉनकेव लेंस भी आपके थ्री टाइप के होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस में कौन सा होता है? डबल कॉन्वेक्स लेंस, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस भी कितना होता है? थ्री टाइप का होता है, डबल कॉनकेव लेंस, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ओके, फिर आता है आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स इन रिस्पेक्ट ऑफ लेंसेस। अब हम क्या पढ़ेंगे? इन लेंसेस के रिस्पेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, हम उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टर्म है important terms in respect of lenses. अब lenses के respect में क्या है? कुछ important terms है। तो पहला term है हमारा center of क्यूवेचर। पहला टर्म है आपका सेंटर ऑफ क्यूवेचर। अब सेंटर ऑफ क्यूवेचर क्या होता है, इसको हम पढ़ेंगे। अ लेंस आइदर अ कॉन्वेक्स लेंस और अ कॉनकेव लेंस हैज टू स्फेरिकल सरफेस। अब चाहे लेंस आपका कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, इसमें जो स्फेरिकल सरफेस होंगे वो कितने होंगे? वो दो स्फेरिकल सरफेस होंगे। Each of these surface form a part of a sphere as shown. तो ये दोनों जो spheres हैं ये
कैसे बनते हैं? ये आपका एक सर्कल है और ये आपका दूसरा सर्कल है। क्या हुआ यहाँ पे देख रहे हैं, ये दोनों सर्कल क्या कर रहे हैं, आपका मिल रहा है। तो ये जो इमेज फॉर्म बनी, ये जो लेंस बना जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट हुआ, ये बना आपका लेंस। तो ये पोर्शन आपका क्या बना, ये पोर्शन आपका बना लेंस का बना। ठीक, तो अगर हम बोले द सेंटर ऑफ दीज टू स्फीयर्स ऑफ विच द लेंस सरफेस फॉर्म पार्ट इज कॉल्ड अ सेंटर ऑफ क्यूवेचर। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इस सर्कल का सेंटर था, ये इस सर्कल का सेंटर था, ये मिला। और ये जो हुआ, ये जो सेंटर बना आपका, ये बना आपका सेंटर ऑफ क्यूवेचर। ठीक है, इसको आप नाम भी दे सकते हो, ये बन गया आपका C1 और ये बन गया आपका C2। ठीक है, फिर आते हैं एज अ लेंस हैज टू सरफेस। तो जैसे अभी हमने देखा कि जो हमारी लेंस है इसकी कितने सरफेस है, टू सरफेस है। इट हैज टू सेंटर ऑफ क्यूवेचर, इसी वजह से इसमें जो सेंटर ऑफ क्यूवेचर है वो भी कितने हुए, दो सेंटर ऑफ क्यूवेचर हुए। जब दो सरफेस बना तो सेंटर ऑफ क्यूवेचर भी कितने बनेंगे, दो बनेंगे। तो जिनको हमने क्या नाम दे दिया, जिनको हमने लेटर दे दिया, एक को दे दिया C1 और एक को दे दिया हमने C2, और ये क्या हो गया हमारा सेंटर ऑफ क्यूवेचर हो गया। ठीक है, अब सेकंड टर्म है आपका रेडियाई ऑफ क्यूवेचर। क्या पढ़ेंगे अब हम, रेडियाई ऑफ क्यूवेचर। रेडियाई आपका क्या हो गया, सिंपल जो आपका ये रेडियस हो गया, ये आपका क्या हो गया, रेडियाई हो गया। ये यहाँ पे आपका ये मिल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का आपका क्या हो गया, R1 हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका हो गया R2। ठीक है, द रेडियाई ऑफ स्फीयर ऑफ विच द लेंस सरफेस फॉर्म पार्ट आर कॉल्ड इट द रेडियस, रेडियाई ऑफ क्यूवेचर। मीन्स सेंटर ऑफ क्यूवेचर से जहां पे दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं सर्कल्स, तो यहाँ तक का ये क्या हो गया, ये हो गया रेडियाई। सेम इसी तरह ये हो गया आपका रेडियाई 1 फर्स्ट सर्कल का, ये हो गया आपका रेडियाई 2 सेकेंड सर्कल का। अब फिर थर्ड टर्म आता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। क्या आता है आपका नेक्स्ट टर्म, प्रिंसिपल एक्सिस। A line passing through the two centers of curvature and extended on both sides is called it a principal axis. जो क्या हो रही है, जो line pass हो रही है किससे, two center of curvature से। means ये जो line pass हो रही है इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे principal axis, जिसको हम क्या नाम दे सकते हैं, x dash। ठीक है, अब फिर आपका नेक्स्ट टर्म आता है, वो है आपका ऑप्टिकल सेंटर। नेक्स्ट टर्म आपका क्या आता है, नेक्स्ट टर्म आता है आपका ऑप्टिकल सेंटर। अब ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस इज अ पॉइंट ऑफ टू अ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस। ऑप्टिकल सेंटर क्या है आपका, ये पॉइंट है, इस पे प्रिंसिपल एक्सिस पे अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू विच गॉट स्ट्रेट विदाउट एनी डाइवर्जन। जिसमें क्या होता है, जिसमें जो लाइट होती है वो स्ट्रेट पास होती है बिना किसी डाइवर्जन के। मींस ये है आपका, जिसको हम ओ बोलेंगे। तो ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर।
वो है जहां पे क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस, लेंस का जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू विच गोज स्ट्रेट विदाउट एनी डाइवर्जन, बिना किसी डाइवर्जन के जो लाइट होती है वो क्या हो जाती है स्ट्रेट पास हो जाती है. Generally, the central point of a lens is its optical center and is usually represented by letter O. So, ज़्यादातर जो center point होता है lens का उसी को हम क्या बोलते हैं optical center बोलते हैं और उसको हम किससे represent करते हैं O से represent करते हैं. फिर आपका next term आता है वो है एपीएचर. क्या है नेक्स्ट टर्म आपका एपीएचर. द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर आउटलाइन ऑन अ स्फेरिकल सरफेस इज कॉल्ड अ एपीएचर. जो आपका इफेक्टिव डायग्राम है सर्कुलर सर्कुलर आउटलाइन का, ये आपकी जो बाहर वाली है इसका ये जो डायग्राम वो है डायमीटर है, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका एपीएचर. ठीक है, ये सॉरी ये लेंस है, लेंस का ये जो डायग्राम है ये जो डायमीटर है ये इसको हम बोलेंगे एपर्चर. इसको हम नाम दे सकते हैं सी ओ डी. ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एपर्चर. मीन जो लेंस का डायमीटर है ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका एपर्चर कहलाएगा. फिर आपका नेक्स्ट टर्म आता है प्रिंसिपल फोकस. फिर आपका नेक्स्ट टर्म क्या आता है, नेक्स्ट टर्म आता है आपका प्रिंसिपल फोकस. अब प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस वेयर ऑल द लाइट रेज ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली कवरेज टू अपीयर ऑफ डाइवर्स फॉर्म इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस. मीन्स वो प्रिंसिपल एक्स जहां पे क्या हो रहे हैं, सपोज करिए ये आपका लेंस है, ठीक है. अब क्या हो रहा है, यहां से जितनी भी प्रिंसिपल एक्सिस से जितनी भी लाइंस आ रही हैं, मींस जो जितनी भी सारी रेस आ रही हैं, वो सारी क्या हो रही हैं, वो एक पॉइंट पे आके मिल रही हैं आप उससे. तो ये हो जाएगा आपका एफ. तो क्या बोलेंगे हम ये बोलेंगे अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस वेयर ऑल लाइट रेज ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. जितनी भी लाइट रेज है जितनी भी रेज है सारी क्या कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रैवल कर रही है, या तो कवरेज कर रही है मींस मिल रही है. अगर यही आपका कॉनकेव होगा तो यहाँ पे जितनी भी होंगी सब क्या करेंगी, सब यहाँ पे आके डाइवर्स कर जाएंगी कुछ इस तरीके से. ठीक है, या तो कवरेज कर रही है या फिर डाइवर्स कर रही है, इसी को ही हम क्या बोलेंगे, इसी को ही हम प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे लेंस का, जिसको हम एफ से जानते हैं. ठीक है, As in case of a lens, the parallel lines may be incident or any on its two surface. A principal has two principal focus.
अब जो लेंसेज होते हैं इनमें क्या होगा, जो प्रिंसिपल जो पैरेलल लाइंस होंगी इंसिडेंट रे की, उसमें दो सरफेस होते हैं, इसलिए हम लेंसेज के क्या होते हैं, इसलिए लेंसेज के टू प्रिंसिपल फोकी होते हैं, जिसको हम एफ वन और एफ टू के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपका लेंस है। अगर लाइट यहां से आएगी तो यहाँ पे F बनेगा, अगर यहां से आएगी तो यहाँ पे F बनेगा। इसलिए क्या बोला है हमने, इसलिए हमने बोला कि जो लेंसेज होते हैं इनके जो प्रिंसिपल फोकी होते हैं ये दो होते हैं। फिर आपका नेक्स्ट टर्म आता है G, वो है आपका फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ क्या होता है, ये जो दूरी होती है इसी को ही हम बोलते हैं फोकल लेंथ। द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस ऑफ आवर लेंस फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है इसी को ही हम बोलेंगे फोकल लेंथ। अब फिर नेक्स्ट आता है हमारा फोकल प्लेन। अब प्लेन passing through the principal focus of a lens and normal to its principal axis is called it the focal plane of that lens. Means जहाँ पे जो pass हो रहा होगा principal focus से, मतलब कि lens के principal focus से जो plane pass कर रहा है, या फिर principal axis पे जो normal है उसी को ही हम focal length बोलेंगे। ठीक है, so we can easily locate the principal focus of a concave lens and estimate its focal length. So हम क्या कर सकते हैं, focal length को easily find कर सकते हैं convex lens में और concave lens में। For this purpose we perform the following activity. अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम next class में इस activity को आप लोग देखिएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर next class में हम इसको discuss करेंगे। okay? आगे का हम next class में continue करेंगे। and एक बात और बच्चों, Monday को आप लोगों का science की activity है, जिसमें आप लोगों को chart बनाना है, चार्ट बनाना है आपको इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंसेस पे। ठीक है, आपको दोनों का चार्ट बनाना है और इस पे आप लोगों को एक्सप्लेन ही करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।